हेलो नमस्कार आप सभी को। दोस्तों वैसे तो ये वीडियो टीवीएस इक्विटी प्रो मेंबर्स के लिए है जो हमने ज्वाइन बटन स्टार्ट किया है, बट ये फर्स्ट वीडियो है तो इसलिए हमने सोचा कि आप सबके लिए पब्लिक ये वीडियो शेयर की जाए, सो दैट आप सीख सकें कि वहाँ पर स्टॉक आइडिया के साथ साथ आपको कैसी लर्निंग भी मिलेगी, क्योंकि आपको साथ में उस स्टॉक की वीडियो भी मिलेगी, सो दैट कि आप अच्छे से सीख सको, चार्ट ट्रेडिंग समझ सको और साथ में आप कोई एंट्री कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो वहां पर आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाएगा, पता चलेगा आपको भी कि क्यों वहां पे बाय कर रहे हैं, क्यों वहां पे स्टॉप लॉस है या क्या टारगेट है, तो पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया जाएगा उस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो इसलिए मैंने चाहा कि चलो आज ये फर्स्ट वीडियो है तो आपके लिए भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम बात कर रहे हैं निफ्टी आईटी के इंडेक्स पर। आप ये देखिए वीकली चार्ट है, जब यहाँ पे प्राइस यहाँ पे था इसका ये हाई था करीब ये 38,000 का इसका जो इंडेक्स प्राइस था निफ्टी आईटी का, और उसके बाद 36 जब नीचे से फिर थोड़ा सा ऊपर आया तब यहाँ पर सबने कहा कि ले लो बाय कर लो। यहाँ पर कोई नहीं कह रहा था कि यहाँ से आईटी इंडेक्स को एग्जिट करना चाहिए, यहाँ कोई नहीं कह रहा था। यहाँ पर कह कौन रहा है, जब यहाँ पर ये प्राइस नीचे आ चुका है अभी 26,000 के इंडेक्स के प्राइस पर, तब यहाँ पर हर कोई कह रहा है कि ये आईटी स्टॉक्स और गिरेंगे और गिरावट आएगी, सेल कर दो बेच दो। तो आपको यही देखना होता है कि जब सारी दुनिया एक साइड में बोल रही होती है कि मार्केट गिरने वाली है, गिर जाएगी, तब तो आपको देखना है कि वहाँ पे कुछ पॉजिटिव तो नहीं है। और जब पूरे सारे लोग ग्रीडी हो जाते हैं, लालच में जाते हैं कि यहाँ से मार्केट और ऊपर चलता जाएगा जाता जाएगा, तब तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, तब तो वहाँ पर आपको चार्ट ट्रेडिंग देखनी होती है कि किन चार्ट पर, जब तक चार्ट बोल रहा है तब तक चार्ट के साथ चलिए, चार्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए, जो वर्ल्ड में पूरे न्यूज़ जो चल रही है उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिए। जब वो न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा तो आपको चार्ट पर अपने आप ही शो हो जाएगा। तो उसके पीछे क्योंकि जैसे काफ़ी ट्रेडर मुझे 1 मंथ से पूछ रहे हैं कि सर पोर्टफोलियो भेज दें या निकल जाएं, जैसे मार्केट थोड़ी सी गिरावट होने लगती है तो वो सेल करने की पूछ लेते हैं। तो अगर देखो अगर उन 1 मंथ अगर पहले सेल किया होता तो निफ्टी तो आप देखोगे कि अप डाउन वहीं पे है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बट जो मिड कैप स्मॉल कैप्स में स्टॉक्स में जो मूवमेंट आई है उनमें इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है तो वो मिस कर जाते। तो आपको स्टॉक स्पेसिफाइज या फिर लग से सेक्टर वाइज ये आइडेंटिफाइज करना होता है कि कौन से सेक्टर में या कौन से स्टॉक्स में बॉटम बन रहा है। तो जैसे निफ्टी आईटी में देखिए अभी बिल्कुल ये नियर बॉटम के पास है, सपोर्ट लेवल के पास है, और साथ में आपको डिमांड लेवल भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये वीकली जो चार्ट है, वीकली चार्ट यहाँ पे ये देखिए ये 26 पर यहाँ पर इसने देखिए पहले बेस बनाया था, काफी टाइम लिया था और इसके बाद से ये वन साइडेड ऊपर चला गया था। तो जब कोई स्टॉक या इंडेक्स देखिए वन साइड ऊपर जाता है तो वो कभी ना कभी तो लौट कर वहाँ पे उस लेवल तक जरूर आता है। तो ये देखिए यहाँ पे वापिस आया और ये इसका जो बेस लेवल था इसी को इसने फिर से टच किया। यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल बनने के बाद ये स्टॉक की मूवमेंट आई। तो ये जो लेवल है वीकली चार्ट पर 26,000 और ये 24,000, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी आईटी के लिए। अब आप डेली का चार्ट देखिए तो डेली के चार्ट में भी आप देखोगे कि यहाँ से ये देखिए ये ऊपर गया, फिर नीचे द्वारा यहाँ डबल बॉटम बना और ये सपोर्ट बन गया इसका, और उसके बाद ये यहाँ से भी इसने नेकलाइन ब्रेक किया और तो ये वन साइडेड यहाँ तक चला गया। मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं कि यहाँ पर बाय करने की ट्राई करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जैसे ये जो आप लाइन देख रहे हैं 200 डेज की मूविंग एवरेज है कि ये क्रॉस हो जाएगी तब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मोशन ट्रेडिंग हो जाएगी, बट उनको ये नहीं देखते कि यहाँ पर देखिए एक अच्छा यहाँ पर रिस्टेंस भी कह सकते हो, यहाँ पे एक ये सप्लाई लेवल भी था निफ्टी इंडेक्स में, तो यहाँ पर लोगों ने बार बार के फिर से बाई किया। तो बट आपको बाई करना कहाँ है, अगर आप एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होते हैं, जो बिग प्लेयर को फॉलो करते हैं। तो बिग प्लेयर को फॉलो करने वाले जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो यहाँ पे देखिए ये एक निफ्टी आईटी इंडेक्स पर एक बढ़िया सा ये डिमांड लेवल था। अगर आपको डिमांड लेवल का नहीं पता, ये सपोर्ट लेवल नहीं था ये डिमांड लेवल था। ये डिमांड लेवल क्या होता है कि अनफिल्ड ऑर्डर जहाँ पेंडिंग होते हैं तो अनफिल्ड ऑर्डर को डिमांड लेवल कहते हैं, जो आपको प्राइस में दिखाई देता है ये फिल्ड ऑर्डर होते हैं, डिमांड अनफिल्ड ऑर्डर आपको नहीं शो होते, वो आपको डिमांड लेवल और सप्लाई लेवल से देखने होते हैं कि कौन सा वैलिड। और तो ये जो हमारे स्टूडेंट हैं जो वही समझ सकते हैं कि ये कैसे एक डिमांड लेवल था, तो जो हमारे स्टूडेंट है मास्टर ट्रेडर लाइफ चेंजिंग सेशन के तो
तो वो इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहां से देखिए प्राइस फिर यहीं पे आया, यहां से देखिए फिर ग्रैंड कैंडल बनी, उसके बाद एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फिर से यहां पर ये प्राइस थोड़ा 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 धीरे टेस्ट हुआ, सेम वहीं पे आया, सेम वहीं से फिर से चलना स्टार्ट हो गया। तो यहां पे देखिए फिर से कंफर्मेशन मिली कि यहां पे बाय किया जाए निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में। तो देखिए मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, हमने देखिए स्टॉक जब ये लेवल आप देख रहे हो कि यहां पर था, तो जैसे यहां कंफर्मेशन मिली ये ग्रीन कैंडल फिर से बनी, तब हमने बाय करने स्टॉक किए। और ऐसा नहीं कि देखिए इक्विटी में भी बाय किया, तो यहां पर आप देखिए ये आप यहां पे देख सकते हो कि ये देखिए हमने यहां पे ये डेट 7 सितंबर को देखिए बीटीएसटी में भी दिया आपको, सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल से रिस्क के साथ। रिस्क देखिए कितना था यहां पर, 1452 पे एंट्री थी और स्टॉप लॉस बिल्कुल स्मॉल था, सिर्फ 10 पॉइंट का भी, और टारगेट हमारे ये थे, बट मैंने फिर भी बीटीएसटी जिन्होंने लिया था वहां पे अभी हमने इसको सेल नहीं किया है, होल्ड है, कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग का भी मैसेज नहीं किया है। और साथ में देखिए और कल हमने यहाँ पर फिर टीसीएस भी बाई किया था 3200 के लेवल पर, और सेम डे इंट्राडे में 40 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया था। और जो फ्यूचर इंट्राडे सेगमेंट है यहाँ पर भी देखिए 3200 के लेवल दिया, और टारगेट भी यहाँ पे देखिए 20 और 20 दो टारगेट थे कि 20-20 पॉइंट के, मतलब 40 पॉइंट, और सेम वही टारगेट तक अचीव हुआ। और वैसे हमारा एक और ग्रुप भी है जो फ्यूचर सेगमेंट के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बट वो हमारे उनके लिए जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है, वहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स अलग से देते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इसलिए, आपको मैंने इसलिए दिखाया कि मैं वहाँ प्रमोट नहीं कर रहा, आपको सिर्फ इसलिए बताया कि देखिए हमने एक्चुअल में बाय किया है, कि नीचे से लोग जब मार्केट एक बड़ा मूव दे देता है तब बाय करते हैं स्टॉक को, या फिर काफ़ी ट्रेडरों ने यहाँ पर भर भर के ले लिया जब यहाँ पर उनको इंडिकेटर सिग्नल दे रहे थे, तब बाय बाय कर लेते हैं। देखिए इंडिकेटर जब आपको एक बड़ा मूव के बाद सिग्नल देते हैं तब आप बाय करते हो, बट जब फिर इंडिकेटर आपको बड़ा स्टॉप लॉस सेट कराता है उसके बाद आप एग्जिट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको फिर स्टॉप लॉस बड़ा दिखाई देता, आपको लॉस दिखाई देता है अपने अकाउंट में, तो आप सोचते होल्ड कर लेते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे जब ये प्राइस यहाँ पे आया था नीचे ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का, तब यहाँ पर कोई इंडिकेटर आपको सिग्नल नहीं देगा कि बाय कीजिए, बड़ा मूव आने के बाद ही आपको इंडिकेटर सिग्नल देते हैं। तो जैसे ये आपने देखा, तो यहाँ पे आप देखिए इन्फोसिस का भी चार्ट आप देखिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो अपने मेंबर्स के लिए जो टीवीएस इक्विटी प्रो मेंबर्स है हमारे, जिसमें मेंबरशिप है 299 वाली, तो उसमें हमने ऑलरेडी ये स्टॉक्स नहीं दिए हैं लार्ज कैप वाले, उसमें एक मिड कैप आईटी स्टॉक दिया है जिसका प्राइस 300 के पास चल रहा है, तो वो स्टॉक दिया है और वो अभी वहाँ पर प्रॉफिट है, वो करीब 324 पे बाई किया था और अभी 330 प्राइस चल रहा है, तो वो स्टॉक अभी होल्ड में है, तो उसकी भी अलग से वीडियो मिलेगी, बट वो मेंबर्स को ही मिलेगी, क्योंकि उसमें भी आपको बताएंगे कि कैसे वहाँ पे क्या ब्रेकआउट है, क्या लॉजिक है, एक्सप्लेन है सब कुछ, तो वो सिर्फ मेंबर्स को ही वीडियो मिलेगी। यहाँ पे देखिए इन्फोसिस का भी यहाँ पे देखिए डिमांड लेवल था, तो इसको हमारे स्टूडेंट अच्छे से इसको बेटर समझ चुके होंगे, और यहाँ पर फिर से इसने बेस बनाया, फिर से ये अपसाइड में चलना स्टार्ट हुआ। और ऐसे ही ये देखिए टीसीएस भी देखिए आप, तो टीसीएस भी और बाकी सारे स्टॉक्स भी आईटी आप देख सकते हो, तो ये देखिए ये इसका यहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ पर अब बन चुका है, ये देखिए। अब देखिए मैं आपको और क्लियर बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि डिमांड लेवल वो वैलिड होता है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, तो वैलिड डिमांड लेवल को ही हम मानते हैं, जो टेस्ट हो गया तो फिर वो सपोर्ट लेवल बनेगा। तो अभी हमारे लिए जो ये निफ्टी आईटी और इन्फोसिस टीसीएस ये सब हमारे लिए अभी ये लेवल जो है ये जहाँ से ये हमारे लिए अब सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ऑलवेज ब्रेक जरूर होते हैं, उनके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर अब इसका ये सपोर्ट लेवल है जैसे टीसीएस का 3100 के लेवल के पास, और यहाँ से अगर कंटिन्यू चलता है तो फिर से इसमें मूव ऊपर की साइड आ सकता है, या फिर अगर नीचे थोड़ा मिले 3150 के आसपास तो वहाँ पर भी इसमें एंट्री बन सकती है, बट वहाँ पर आपको साथ में इंट्राडे का चार्ट भी देखना पड़ता है कि वहाँ पर इंट्राडे पर क्या वहां पर मोमेंट बन रही है, क्या वहां पर प्राइस एक्शन आपको बोल रहा है। तो ये तो था कि निफ्टी आईटी के इंडेक्स पर एक ओवरव्यू मेरा, बट मेरी ऐसी पर्सनली ऐसी सजेशन नहीं है कि आप इसमें बर बर के बाई कीजिए, हो सकता है कि ये लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको नीचे के मूव देखने पड़ जाए। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन के पर्पज से समझा रहा हूँ कि सो दैट ऐसा नहीं होता कि बड़ा मूव आने के बाद फिर आप बाई करते हो, आप बॉटम से भी बाई करना सीखिए,
बॉटम से बाय करना आप तभी सीख सकते हो अगर आपने हमारा मास्टर ट्रेडर कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि वहां पर हमने बिगनर से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक वहां पे सब कुछ समझाया हुआ है। तो जब आप नीचे से बाय करते हो तो देखिए आपका रिस्क बिल्कुल कम रहता है, रिवॉर्ड आपको बड़ा मिलता है। तो ऐसा नहीं होता कि बड़ा जब ब्रेकआउट आता है तब प्राइस नीचे नहीं आते, प्राइस तब भी नीचे आ सकते हैं। तो बेटर है कि नीचे से बाय करोगे, जहां से डिमांड लेवल से बाय करोगे तो वहां पर आपका रिस्क कम रहेगा और आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना एनालिसिस कीजिए, ऐसे एनालिसिस करोगे तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। और बाकी दूसरी जो हमारे स्पेसिफिक स्टॉक हमने रिकमेंड किया था उसकी वीडियो मेंबर्स को अलग से मिल जाएगी। तो अभी मेरी ये सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन है कि आप आईटी के स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। अगर ये बॉटम आते हैं तो यहां से फिर आपको बड़ा मूव मिलेगा, तो आईटी स्टॉक्स आप सेलेक्ट कीजिए। धन्यवाद।